कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे हष्ट पुष्ट स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। मैं सोनिया चहल आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान अड्डा 24/7 पे। ठीक है, तो भाई आज हम फटाफट देखो, आपको मैंने बोला हुआ है सीटी वाले बच्चों जिनको मैं कराती हूँ सीटी, और शिट व्हाट जस्ट हैपेंड, मैंने आप सभी को क्या बोला हुआ है भाई। अगर आप सभी को ध्यान है तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, शानदार सी चीज बताई हुई है। शानदार सी चीज मैंने क्या बताई हुई है कि भाई जिस दिन हमारा क्या होगा, क्लास होगी, उस दिन हम थ्योरी पढ़ेंगे नॉर्मल डेज में। लाइक हमारा रेगुलर सेशन क्या होता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक हम पढ़ते हैं थ्योरी। अब जितनी थ्योरी यहाँ पे फ्राइडे तक कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके लगाएंगे हम एमसीक्यू। ठीक, दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड सेकंड इज आपका क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों की ही हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, तो हम उसी के आज प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, समय कम है, प्रश्न ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। और ध्यान रखना, आपकी हमेशा जो मैराथन होती है ना सैटरडे, उसमें हम एमसीक्यू करेंगे, जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया ना उसका। सो बेट आपको क्या करें, 5 दिन थ्योरी पढ़ रहे हो फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर कुछ एक आधा फैक्ट रह जाता है तो वहां पे कवर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न आपका क्या है, आज का पहला प्रश्न है कि द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज, कि सांपों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। पहला है आपका सर्पेंटोलॉजी, सेकंड इज योर ऑर्थिनोलॉजी, फिर आपका हर्पेटोलॉजी, फिर आपका इथोलॉजी। जल्दी से आंसर करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा। हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, हैप्पी सुनीता, श्याम, मीनाक्षी, दीपू, जसू, हेलो टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एंड सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपको आज 12:30 बजे जुड़ना है राजस्थान अड्डा 24/7 से, कुछ अच्छा सा मिलने वाला है फ्री में। ठीक तो आपका गिव अवे होने वाला है, जुड़े रहिएगा। और दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो भाई, अपने मम्मी के फोन से, पापा के फोन से, भाई के फोन से, सबके फोन से सब्सक्राइब कर दो। आज अगर ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करते हो ना तो आपको ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा गिफ्ट आपको मिले। ठीक है, चलो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, हेलो विराट, हेलो विराट, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्पेंटोलॉजी। क्या हो जाएगा भाई, सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपका डिस्क्राइब नहीं करूंगी। 78 प्रश्न है, सिर्फ एक आपका पोर्शन, एक चैप्टर से 78 प्रश्न है। उल्टा हम चलेंगे, उल्टा चलेंगे, अब 77 पे जाएंगे, याद रखना इस चीज को। आगे है कि स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड, हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की उस शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे कहते हैं क्या, जियोलॉजी, सीरोलॉजी, ओरोलॉजी, इस्ट्रियोलॉजी, भूविज्ञान, सीरोलॉजी, ओरोलॉजी, अस्थि विज्ञान। बताओ जल्दी से आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत शानदार मस्त प्रश्न है एकदम, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार का। जल्दी बताओ आंसर, बता दो भाई जल्दी से क्या हो जाएगा। और दोस्तों को बोला लाइक करने के लिए सेशन को, कि भी लाइक करना है सेशन, दोस्तों को बुलाया, शेयर किया आज किसी ने, नहीं किया होगा पता है मुझे। डी डी, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर ऑस्टियोलॉजी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि विज्ञान। डी, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज, वृद्धावस्था के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। पहला जेरेंटोलॉजी, एथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, थैनेटोलॉजी। अब ये मैं सोचा मैम सारे लोजियोलॉजी पढ़ाओगे क्या, बस वेट करो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बाहर से। ठीक है, पूरा मैंने कहा था ना कि बेसिक से हाइप तक। ओके, ठीक है, चलो जल्दी आंसर करो। अभी यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो यहां पे आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। क्या हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी, ए आंसर यहां पे सही हो जाएगा। कौन से वाला, ए आंसर यहां पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल फिश, एक वास्तविक मछली कौन सी है, क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। चलो जल्दी बताओ। ओके, जल्दी बताओ भाई क्या कर रहे हो। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बी,
कटल फिश, कौन सी हो जाएगी? कटल फिश। तो आपका आंसर बी, बी वाला, मतलब वैसा लॉजिकली सी है वहां पे, बट थोड़ा हो जाता है कभी कभार। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग योगेश। अगला प्रश्न है कि स्टडी ऑफ बटरफ्लाईज इज कॉल्ड, तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यूथियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लैपिडोटेरोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, ए बी सी डी, आंसर बताओ जल्दी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट सो इजी। यस, जल्दी बताओ। देखो आपका जो बटरफ्लाई आता है ना, वो एक लैपिडोपटेरा में आता है। लैपिडोपटेरा आपका, मैं बताती हूँ, आपके इंसेक्ट होते हैं, दो फाइलम्स के अंदर डिवाइड होते हैं। एक होता है डाइपटेरा, एक होता है लैपिडोपटेरा। ठीक है, डाइपटेरा वो होता है जिसके दो पंख होते हैं, लैपिडोपटेरा जिसके दो से ज्यादा होते हैं। पंख आपके तितली के होते हैं चार, आप लगे मैम दो होते हैं, नहीं चार होते हैं, एक दो हिंड वाले, दो फोर वाले। ठीक है, तो आपका वो आ जाता है लैपिडोप्टेरोलॉजी में। तो यहाँ पे आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा, पॉलिनियोलॉजी नहीं हो जाएगा। पॉलिनियोलॉजी में ये पढ़ोगे तो फिर पॉलन ग्रेन्स का किसमें पढ़ोगे? हाँ जी, क्या कर रहे हो पांडे? आगे है स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हो? क्रिप्टोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इस्थियोलॉजी, लैपिडोप्टेरोलॉजी। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, प्रणाम भी प्रणाम, अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो, बट करना पड़ेगा, शर्त ये है कि अच्छे से करना पड़ेगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जल्दी बताओ, बहुत सही, बहुत सही, सी जसू, बहुत सही। एस्थियोलॉजी, एस्थियोलॉजी, सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका, सी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है फाइटोट्रॉन इज ए फैसिलिटी थ्रू विच, फाइटोट्रॉन जो है एक सुविधा है जिसके द्वारा प्लांट आर ग्रोन अप इन डिजीज लेस सर्कमस्टेंसेस, कि आपके जो पौधे हैं वो कम रोग वाली परिस्थितियों में उगाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि आपका स्पीशीज ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट आर कंजर्व्ड, कि विलुप्त पौधों की प्रजाति को संरक्षित किया जाता है। या फिर वो कह रहा है कि प्लांट बिकम अवेलेबल टू ग्रो अप इन द कंट्रोल्ड कंडीशन, कि नियंत्रित परिस्थितियों में बढ़ने के लिए पौधों को उपलब्ध हो पाते हैं। या फिर म्यूटेशन इज अफेक्टेड, उत्परिवर्तन प्रभावित होता है। जल्दी बताओ फाइटोट्रॉन क्या है? व्हाट इज फाइटोट्रॉन? इट्स सो इजी, सो इजी गाइस। प्लांट बिकम अवेलेबल टू ग्रो अप इन द, ओके, सो अभी मैं यहाँ पे आपकी इजीली मैसेजेस देख पाऊंगी तब बिना लेट किए, और आप सभी भी मेरी तरह अपने अपने फोन्स में अच्छे से देखना, ठीक है, दूसरे के भी मैसेजेस देखना, ठीक है, और लाइक कर देना सेशन को, ठीक है। मैं खुद का भी तो लाइक कर दूँ एक बार, मैं खुद ही लाइक करती हूँ आधी बार। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। 72 का नहीं बेटा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा विराट, यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ग्रो कर पाए, इसीलिए वो आपके उसको हम बोलते हैं फाइटोट्रॉन, कि भी उनकी अवेलेबिलिटी हो चुकी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी वाली कंडीशन को बोला जाता है, म्यूटेशन नहीं होता फाइटोट्रॉन में, ठीक है, याद रखो इस चीज को। आगे प्रश्न है आपका कि भाई हाइड्रोपोनिक इज एसोसिएटेड विद, हाइड्रोपोनिक किसे संबंधित है? देखो ये प्रश्न अभी आपका रिसेंट में आया था, रिसेंट कहा था, अभी भी मैंने एक एग्जाम देखा था जो कि आपका शायद से सुपर टेट का एग्जाम था, शायद से पीछे लास्ट टाइम वहां पे हाइड्रोपोनिक वाला प्रश्न पूछा हुआ था सुपर टेट में, ठीक है। पहला है आपका प्लांट ग्रोथ विदाउट सोयल, प्लांट ग्रोथ विदाउट वाटर, रिलेशन ऑफ साउंड इन एयर, टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अब देखो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपका पौधा है उसको हम बिना मिट्टी के उगाते हैं। कैसे उगाते हैं? बिना मिट्टी के उगाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैं बिना मिट्टी के कैसे कोई पौधा उग सकता है? उग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करते हैं उस बिना मिट्टी वाले के अंदर एक चीज डाल देते हैं, वो चीज डालते ही ये कि वहां पे न्यूट्रिएंट डाल देंगे, मिनरल्स डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, परंतु वहां पे हल्का फुल्का रेत देंगे। रेत अलग चीज होती है, मिट्टी अलग चीज होती है, तो वहां पे आपकी मिट्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भाई आपका ठीक 12:30 बजे गिव अवे होने वाला है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, तो 12:30 बजे राजस्थान अड्डा पे ही बने रहिएगा। आगे प्रश्न है कि सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इज लोकेटेड एट, कोशिके और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहां पे? जयपुर, लखनऊ, न्यू दिल्ली और हैदराबाद। जल्दी बताओ,
अंकिता, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन कौन बच्चा मेरे सेशन को लाइक करता है आते ही सबसे पहले, और कौन कौन बोलने के बाद करता है, और कौन कोई करता ही नहीं है। सीरियसली बताओ जल्दी से, आंसर भी और जो मैंने पूछा है वो भी। जल्दी बताओ जल्दी, कहां पर स्थित है? हैदराबाद। कहां है? हैदराबाद, हैदराबाद। ओके थैंक यू सो मच, तुमसे एक्सपेक्टेड भी क्या कर सकते, एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूं मैं। ठीक है आगे चलो। ओके दिनेश, लाइक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आगे है कि द टर्म फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक इज लोकेटेड एट, कि डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, नई दिल्ली, चेन्नई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैं फिंगरप्रिंटिंग वाले का क्या सीन है। देखो बात ऐसी है कि आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे डीएनए का सीक्वेंस जान लेते हैं। ठीक है, मेरा तो पर्सनल फील्ड है फोरेंसिक में से, आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने एमएससी की है फोरेंसिक साइंस से, तो वहां पे हमने खूब की हुई है। यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका जो डीएनए निकालते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके हर सीक्वेंस को हम जान लेते हैं, हर कोडोन को हम जान लेते हैं, ताकि अगर डाटा भी सेव कर लेते हैं इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो हम उसके बारे में बता पाए। फिंगरप्रिंटिंग जिस वैसे शब्द है, यहाँ पे उंगलियों से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे बस इतना सा मतलब है कि डीएनए के बारे में पूरा हम इंट्रो के बारे में पूरा जान लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? डी, डी नहीं, इसका आंसर भी हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैदराबाद हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा भाई, ए, ए आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था। चलो आगे है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मॉन्की, इनमें कितने से कौन सा सबसे बड़ा बंदर है? स्पाइडर मॉन्की, बबून, गोरिल्ला, हाउलर मॉन्की, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा यहां पे आंसर आपका? ए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, स्पाइडर मॉन्की। नहीं, आपका यहां पे आंसर हो जाएगा बबून। क्या हो जाएगा? बबून। वैसे तो आपका गोरिल्ला भी बड़ा होता है, अगर यहाँ पे बबून नहीं होता तो आप आंसर गोरिल्ला करते, पर यहाँ पे बबून ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या करोगे, क्या कर दोगे भाई? बबून, सॉरी गोरिल्ला कह रही हूं। ठीक है, और इनसे अगर इनके अंदर भी एक चीज नहीं है आपकी, जिसको हम कहते हैं गिब्बन, वो सबसे बड़ा होता है, सब बंदरों में सबसे बड़ा गिब्बन। ठीक है, आगे प्रश्न है कि द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहां स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोयंबटूर, बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा, कहां स्थित है? तो आपका आंसर है ए, कोलकाता। बंदर की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है। चलो आगे प्रश्न है कि एपिग्राफी स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एपिग्राफी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? पहला है सिक्कों की, फिर आपका इंस्क्रिप्शन शिलालेख जो पत्थरों पे कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता है ना उसकी, या फिर टेम्पल्स मंदिरों की, या फिर बर्ड्स, बताओ जल्दी से एपिग्राफी किसकी अध्ययन है, एपिग्राफी किसका अध्ययन है? और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं एक चीज कि भैया हम ऑलरेडी ये सारी चीजें पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, तो उसके एमसीक्यू यहाँ पे लग रहे, प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में ये सारा वाला करा चुकी हूँ। ठीक है, पहले 5 दिन मंडे टू फ्राइडे थ्योरी, आफ्टर दैट संडे और सैटरडे अगर आपकी क्लास नहीं लगती है तो अलग चीज है, अगर मैराथन लगती है तो वहां पे आपके एमसीक्यू वही होंगे जो मैंने पूरे हफ्ते पढ़ाया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंस्क्रिप्शन, यानी कि शिलालेख, शिलालेख। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता, सॉरी अगला प्रश्न कहता है कि बी कीपिंग इज नोन एज, मधुमक्खी के पालन को किस रूप में जाना जाता है? पहला है सेरिकल्चर, फिर एपिकल्चर, फिर एक्वा कल्चर, फिर एग्रीकल्चर, बताओ जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना आंसर आपका बहुत इजी सा है, इसके अंदर कुछ ऐसी खास चीज है नहीं जो आपको मतलब ना आती हो। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे लिखा है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, और आपका आंसर में भी क्या लिखा है, मधुमक्खी पालन, है ना, तो यहाँ पे आंसर आपका सीधे सीधे एपिकल्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? सीधे सीधे आंसर बी, एपिकल्चर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है,
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर क्या होता है भाई? पहला है कल्चर ऑफ हिल्सा, हिल्सा एक मछली की प्रजाति है, ठीक है। कल्चर ऑफ सिल्वर क्रैप, कि सिल्वर क्रैप की संस्कृति, ये कल्चर आपका मतलब यहाँ पे संस्कृति का बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे पालन का है। क्या है यहाँ पे? पालन का है, पालन, ठीक है। कल्चर ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, की तेल उत्पादक पौधों की आप पालन करना है, या फिर फॉरेस्ट क्रॉप वन फसलें। अब जल्दी बताओ सिल्वी कल्चर किस में आती है? गुड मॉर्निंग जितेंद्र, गुड मॉर्निंग स्वीट, गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं। नई नई मीनाक्षी अभी शुरू ही हुई है, अभी मिस नहीं हुई है बिल्कुल भी। हम आज उल्टे सीक्वेंस में चल रहे हैं और फटाफट आंसर करनी है, तो जल्दी से सभी अच्छे बच्चे फटाक से आंसर कर देंगे। तो भाई देखो बात ऐसी है कि आपका सिल्वी कल्चर किसके साथ संबंधित हो जाएगा? बी, सिल्वर क्रैप के साथ। शोर है आप, शोर हैं आप, बी सिल्वी। आप भी देख लो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई। सिल्वी कल्चर ना आपका फॉरेस्ट्री से संबंधित होता है, वनों से संबंधित होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। आपने देखा सिल्वर कराया था तो सिल्वी कल्चर हो गया, नहीं नहीं, फॉरेस्ट्री से संबंधित होता है, तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ 3 मंथ इज कॉल्ड, नवजात जो है जो 3 महीने की उम्र तक का है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पहला है कोरोलॉजी, फिर आपका कॉन्कोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, निमेटोलॉजी। बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बहुत इजी सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत सही पूनम चौधरी, निमेटोलॉजी, और सॉरी नियोनेटोलॉजी होता है। क्या होता है? नियोनेटोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड, विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। बहुत इजी है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। वेरी गुड विराट, वेरी गुड राकेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डू लाइक द सेशन। देखो हर बच्चा जो है शुरू में आते ही सेशन को लाइक कर दिया करो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करके बैठे, स्टिल यू आर वॉचिंग वीडियो, देन प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल होती है ये चीज। आगे से आगे सजेशन आते हैं सो देट आप आगे से आगे वीडियो देख पाए, ठीक है। हाँ डी, बहुत सही दीपू, बहुत सही, वेरी गुड दीपू। पैलेंटोलॉजी क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे? पैलेंटोलॉजी हो जाएगा, वेरी गुड दिलखुश। अरे दिलखुश भी आया है, और अभी 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 आए हो, ठीक है। आगे है स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन इज, कि विसरल ऑर्गन जो आपके अंदरूनी अंग होते हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, यहाँ पे आर्थ्रोलॉजी है, एंथ्रोलॉजी है, फिर है आपका स्पेल्चोनोलॉजी। बताओ जल्दी से, स्पेल्चोलॉजी, स्पेल्चोलॉजी, बताओ। आपको अभी ये अजीब लग रहा है, बट इसके बाद अगर आपने सारे प्रश्न कर लिए ना, उसके बाद कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा कि आपको ये लगे कि भाई ये वाला प्रश्न मेरा हुआ नहीं था, ठीक है। नहीं, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, आंसर विल बी डी, डी सी। अंकिता पारिक, जो आपकी क्लास 1 बजे होती है, एक्चुअली उसका टाइम जो है थोड़ा अभी डाउट में चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी नई फैकल्टी आई है एक दो, तो वहां पे क्या सीन चल रहा है ना कि मतलब टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक कल आपकी मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास जो है आई थिंक अभी 12 बजे से होनी शुरू हो जाएगी। तो आई विल टेल यू कि वैसे 12 बजे ही है, मैं तो देखती हूँ कि आप एक बार ना चेक कर लेना, ठीक है। आप एक बार राजस्थान अंडर 24% पे जाना उसके चैनल पे, और देखना अपकमिंग अपकमिंग स्ट्रीम में, अपकमिंग में देखोगे ना तो वहां पे मेरा टाइम भी दिख जाएगा आपको किस टाइम है। तो आपको प्लीज एक बार 12 बजे कल जरूर चेक करिएगा, ठीक है। शायद 1 बजे वाला शेड्यूल आपका ना रहे, 12 बजे हो जाएगा, जल्दी कराऊंगी उसको मैं थोड़ा सा। आगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिमिनोलॉजी, मेलकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बताओ जल्दी से। मेरा भाई यूजी चैनल बहुत अच्छा है, विराट बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, बीवीआई है सुंदर सी, बिल्कुल मस्त पटाका, ठीक है। सास भी खुश है, ठीक है, ससुर भी खुश है उसका,
चलो तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा डी, ऑर्निथोलॉजी। क्या जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट पे अगर पाना है 17% ऑफ तो यू कैन यूज माय कोड दैट इज Y443R। आपको ये कोड जो है हर स्लाइड पे यहाँ पे गिवन होगा, जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं आपको वहां पे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और हमारे लिए वो है अप्रिशिएशन है। ठीक है, तो प्लीज यूज दिस कोड। ठीक है, मेरे को हर कोई चुरा देता है कि मैम आपका तो कोई कोड इस्तेमाल ही नहीं करता यार, कर लिया करो, क्या बात होगी। ठीक है, आगे है, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ वायरस डिजीज बैक्टीरिया पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी जो है फोरेंसिक की एक ब्रांच है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पॉइजन के बारे में पढ़ते हैं। टॉक्सिक, नाम ही टॉक्सिक है, जहरीला। ठीक है, धर्मराज पूत सी, ये आपको अगर सेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेटिव सेशन आपको अलग मिल जाएंगे राजस्थान अड्डा पे। फिलहाल इस पे आते हैं, अभी मैं छोटे छोटे बीच में देने लगी तो पूरा टाइम खराब हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड, खेत की फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला है पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ऑलिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। डी, पूजा शर्मा, वेरी गुड डीपू, दिल खुश। रिचा, ओके रिचा इज बैक, रिचा इज बैक, रिचाइज बैक। तो भैया आपकी बात करें अगर फील्ड क्रॉप की तो हम वहां पे कहते हैं एग्रोनॉमी। याद रखना यहाँ पे बात की है फील्ड क्रॉप की, खेतों वाली फसल और आपके फॉरेस्ट वाली फसल में दिन रात का अंतर होता है। फॉरेस्ट की बात की जाए तो सिल्वीकल्चर आ जाता है, अगर फील्ड की बात की जाए तो एग्रोनॉमी आ जाता है। राइट, अभी आगे चलते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज कॉल्ड। कृषि की वह शाखा जो घरेलू पशुओं के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित है उसको हम क्या कहते हैं? डेयरी साइंस, वेटनरी साइंस, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। डेयरी विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, कुकुट या फिर पशुपालन। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और एवरीवन डू लाइक द सेशन गाइस, डू लाइक द सेशन। क्या हो जाएगा? देखो, जब भी बात करते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की तो उनकी फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ और ब्रीडिंग, ये कब भी बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाता है सीधा सीधा सा एक वेटनरी साइंस। क्या आ जाता है? वेटनरी साइंस। तो यहाँ पे आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। हेलो हेलो हर्षित, चलो आगे प्रश्न। डी बिल्कुल भी नहीं होगा, एनिमल हस्बेंड्री में नहीं करते, पशुपालन इज अदर थिंग। पशुपालन जो है आपके एग्रीकल्चर की ब्रांच नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा कि एग्रीकल्चर की ब्रांच और आपकी वेटनरी साइंस एग्रीकल्चर की ब्रांच है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप ट्रीटमेंट एजिंग अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज। कि आपका निम्नलिखित में से किसे पार्किंसन रोग के खिलाफ उपचार विकसित करने के लिए अवार्ड दिया गया था, कौन से वाला नोबेल पुरस्कार? पहला है अरविंद कॉल्सन, फिर आपका वॉल्टर कॉन, फिर आपका रॉबर्ट बी लाफिन, फिर आपका फारिड मुराद। जल्दी बताओ, यू आर जस्ट हैविंग सम सेकंड्स। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाता है? अरविंद कार्लसन, अरविंद कार्लसन। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका कि वेयर इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर। कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? पहला है लखनऊ, फिर दार्जिलिंग, तीसरा कोलकाता, चौथा उटटेक मुंड। अच्छा नाम है, चलो जल्दी बताओ, बहुत इजी है, तो कुछ भी नहीं है, हम सबको पता है यार, कोलकाता। क्या आंसर है? कोलकाता। चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। आगे प्रश्न है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां पे स्थित है? पहला मुंबई, फिर हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे। बताओ जल्दी, बताओ। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका पुणे। क्या हो जाएगा? पुणे, पुणे। ठीक है, गुड इवनिंग इंद्रजीत।
आगे है कि होलोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ, होलोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ए परमानेंट शार्प टू डायमेंशन ब्लैक एंड व्हाइट और मल्टी कलर फोटोग्राफ, कि हम एक आपकी फोटोग्राफ क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो कि आपकी कैसी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है या फिर वो रंगीन भी हो सकती है, ठीक है, वो परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है, या वो होलोग्राफी है, या फिर हम क्या करते हैं आपकी थ्री डायमेंशनल मल्टी कलर फोटोग्राफ यूज करते हैं, थ्री आयामी, या फिर हम करते हैं एक आपकी थ्री डायमेंशनल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को रिकॉर्ड, या फिर हम करते हैं रिकॉर्ड थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफ को, जो कि आपकी कैसे दी गई हो, एक सिंगल कलर में दी गई हो या फिर मल्टी कलर में दी गई हो, बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डू लाइक द सेशन, एवरीवन डू लाइक द सेशन, जल्दी बताओ। बहुत इजी प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा डी, कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, आपकी फोटोग्राफ को करते हैं रिकॉर्ड, जो कि एक सिंगल कलर की है या फिर वो मल्टी कलर की हो सकती है, पहले तो हम उसको करते हैं कि इसमें थ्री डायमेंशनल में, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ, ठीक है। तुमको पर्पल दिख गया, चलो आगे है। वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व ऑन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है कब, 31st May, 21st May, 1st May और 11th May, टेल मी आंसर। चलो थैंक यू फॉर द सजेशन। अभी प्रश्न पे ध्यान दीजिए जरा और मुझे आंसर करें और सेशन को लाइक करें और करवा भी दें, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, ए बहुत सही, बहुत सही, 31st May, 31st May, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि मायरोमेकोलॉजी स्टडी ऑफ एंट, स्पाइडर, बर्ड, स्नेक, किसका अध्ययन है मायरोमेकोलॉजी, चींटियों का, स्पाइडर्स का, मकड़ियों का, बर्ड्स का, पक्षियों का, सांपों का, स्नेक्स का। देखो ये प्रश्न मैंने आपको ये वाला लिखवाया हुआ है, डिक्टेट किया हुआ है, आपको ऐसे कैसे मिल जाना है, ठीक है, राजस्थान अड्डा 24/7 के टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या चाहेगा, 31st, बहुत सही, शानदार दीपू, नाइस। यहां भी आपका आंसर हो जाएगा एंट, क्या हो जाएगा, एंट, चींटियों के अध्ययन को हम कहते हैं मायरोमेकोलॉजी, क्या कहते हैं, मायरोमेकोलॉजी, ठीक है। अच्छा ये लैब असिस्टेंट में आया था, ये साइंस मैंने बताया था कि हर पेपर टैकल कर लेगा, कोई भी पेपर हो आप इजीली उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे है कि द पैवोक्रिस्टेशियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, टाइगर का, मेन का, फ्रॉग का, पिकॉक का, इजी है, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो हम सबको पता है राना टिगरी, ना राना टिगरी होमो सैपियन, तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, पिकॉक, डी, डी। चलो अगला प्रश्न है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल, कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक स्तनपाई है, पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड पढ़ रही थी मैं इसको, चलो आगे घड़ियाल, फिर प्लैटिपस, हॉर्नबिल, जल्दी बताओ यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका। जल्दी बताओ, डी, प्लैटिपस हो जाएगा भाई इसका आंसर, क्या हो जाएगा, प्लैटिपस। और ये प्लैटिपस पता है इसके बारे में खास बात क्या है, प्लैटिपस के बारे में खास बात ये कि मैमल है और मैमल कभी भी अंडा नहीं देते, परंतु ये एक ऐसा मैमल है जो कि अंडा देता है, क्या देता है, एग देता है, अंडा देता है, ठीक है। हाँ दिल की गहराई से गुड मॉर्निंग। चलो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, कि निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक संबंधित गतिविधि है, पहला है लाइव स्टॉक, दूसरा आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर मनी लैंडिंग, फिर इंश्योरेंस, जल्दी बताओ। तो देखो आपकी एग्रीकल्चर के साथ में कौन सी जुड़ी होती है, इसके ऊपर कौन सी आधारित, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में हमारा क्या आता है, लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं हमारे जो पशुधन आते हैं ना, आपके जो जानवर आते हैं वो आते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो गया विराट? बहुत सही दीपू, बहुत सही, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए कौन सा यो है उपचार किया जाता है। पहला है साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। जल्दी बताओ, बहुत इजी प्रश्न और एवरीवन डू लाइक द सेशन। इफ यू आर वाचिंग दिस देन यू हैव टू गिव मी अ थम्स अप आफ्टर लाइकिंग द सेशंस, ठीक है, एसएफ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, कीमोथेरेपी। आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में वो कहते हैं ना कि मेरी कीमोथेरेपी चल रही है ना, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है कि ज़ीनोबायोटिक विच आर इनहेरिटेडली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल अटैक आर कॉल्ड एज। ज़ीनोबायोटिक जो कि स्वाभाविक रूप से माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी है, उसको हम क्या कहते हैं कि ऑल द गिवन ऑप्शन सभी के सब कहेंगे, या फिर उसको कहेंगे हम प्रिसिस्टेंट, या फिर हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल, या फिर कहेंगे रिकॉलरिटेंट। जल्दी बताओ यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, तो उसको हम कहेंगे रिकैल्सिटेरेंट। क्या कहेंगे, रिकैल्सिटेरेंट, पुनर्गणना जिसको हम कहते हैं। बी नहीं होगा इसका विराट, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। आगे प्रश्न है कि हु इज फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे। पहला है वेक्समैन, फिर आपका लैमेक, फिर आपका डोमैक, फिर आपका हैनेमैन। हैनेमैन, हैनेमैन नहीं, ऑल नहीं होगा, नहीं। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी, हैनेमैन। देखो हमको प्रश्न बहुत सारे करने हैं, समय हमारे पास कम है, ठीक है। ये आपके 78 प्रश्न नहीं करने, ये तो एक घंटे की बात है, ठीक है। एक घंटे में हम एक चैप्टर करेंगे, दूसरे घंटे में दूसरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। पीछे स्लाइड लगाई हुई है मैंने उसकी, तो फटाफट कर लो इसको, टाइम हमको अगले चैप्टर का भी करना है। आगे है फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई लाइक इन बैक्टीरिया एल्गी, फाइकोलॉजी किस तरह संबंधित है। देखो मैंने आपको एक चीज याद कराई हुई है, जिसको हम कह देते हैं क्या, आपका लिखवाया हुआ मैंने एफएम रेडियो, पीए पर्सनल असिस्टेंट, फाइकोलॉजी से एल्गी, फंजाई का माइकोलॉजी। कई बार इनके अंदर ही आपका क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आपका यहाँ पे याद कर लेना, पीए मतलब यहाँ पे फाइकोलॉजी एल्गी के लिए है, तो फाइकोलॉजी किसके लिए हो जाएगा, एल्गी के लिए हो जाएगा, शैवाल के लिए हो जाएगा, शैवाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैम आपको गुस्सा नहीं आता है बेटे, तू मेरा गुस्सा देख लेगा ना, तू भागता नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लो। आगे है कि सोयललेस एग्रीकल्चर रेफर्स टू, मिट्टी रहित कृषि से क्या तात्पर्य है। अभी अभी प्रश्न करके आए थे, पहला है इंटरक्रॉपिंग, हाइड्रोपोनिक्स, सेरिकल्चर, हाइड्रोफोबिक। जल्दी बताओ, अरे देख रही हूं विराट, किसने कहा, देख नहीं रही, सब आंसर देख रही हूं, सबके आंसर देख रही हूं मैं। दीपू ने सही कहा है, सुनील ने सही कहा है, ठीक है, अभी सब कह रहा है, या इतने अच्छे अच्छे सारे ऑप्शंस बता रहे हैं। सिलेबस कब आएगा, सीटी का आएगा, तब आएगा, तब तक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इस वजह से करा रही हूं ताकि कोई भी एग्जाम इजीली टैकल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक, जो कि सभी बच्चों ने फटाक से इतना सही आंसर दे दिया। विराट ने, देखो रिचा को देखो, सबके आंसर देख रही हूं मैं, डोंट वरी गाइस। आगे है कि राइस जीन बैंक जो है वर्ल्ड का कहां पे स्थित है। पहला है चाइना, फिर आपका फिलीपींस, फिर आपका जापान, फिर आपका इंडिया। अब आपको लगेगा कि मैम चावल जो है ना हमारे इंडिया के अंदर जो बिहार में खाते हैं ज्यादा, परंतु फिर उससे भी ज्यादा चावल जापान में खाए जाते हैं, फिर भी वहां पे आपका चावलों का जीन बैंक वहां पे स्थित नहीं है। वहां पे आंसर हो जाएगा फिलीपींस, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, फिलीपींस हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड विराट, दीपू वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि वेयर इज इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड, कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहां पे स्थित है। पहला है हैदराबाद, बेंगलोर, देहरादून, अहमदाबाद। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कहां पे स्थित है। बहुत इजी प्रश्न पूछा है ये तो, तो यहां पे आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा, देहरादून।
सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो अच्छे से मैच नहीं है। पहला है सीड कल्टीवेशन, दूसरा है क्रॉप कल्टीवेशन, फिर है आपका वेजिटेबल कल्टीवेशन, फिर है आपका फ्रूट कल्टीवेशन। अगर आप यहां पे देखो तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर होता है फूलों का अध्ययन, ना कि सीड्स का। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे है कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज सिचुएटेड एट, कि भारतीय सब्जी अनुसंधान कहां पे स्थित है, वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, बंगलोर, बताओ जल्दी से। बहुत इजी प्रश्न है भाई, बहुत इजी प्रश्न है, इससे इजी प्रश्न क्या लूटोगे दुनिया को, है सारा कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इजी था या कैसे था, क्या चीज हो रही थी। आपको क्या लगेगा, मिक्स टाइप लगेगा कि एक आधा इजी एक आधा हार्ड हार्ड सा, तो आपका भी हो जाएगा वो इजीली, पर तब पेपर में जाओगे ना वहां पर इतना पैनिक हो जाता है कि क्या पढ़े क्या नहीं। तो अभी से करोगे मतलब रेगुलर होके तो चीजें कवर होंगी, अदरवाइज आप ऐसे ही रह जाएंगे फिर, ठीक है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा आंसर आपका यहां पे, वाराणसी, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अरे भाई ये गोबर गणेश आ गए, चलो आगे प्रश्न है कि ओरिंथोलॉजी स्टडी ऑफ, पक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रस्टेशियंस, बीज, इंसेक्ट, बर्ड्स। ये आ जाते हैं, गंद लोग आ जाते हैं कई बार, कोई बात नहीं हटा दिया मैंने, पढ़ो, इनको हटाने के लिए मैं हूं यहां पे, डोंट वरी, यू जस्ट फोकस ऑन योर आंसर्स। ए वाराणसी, बहुत सही, बहुत सही दीपू, बहुत सही राकेश कुमार मीना, वेरी गुड महेंद्र बुरिया, रिचा डी, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। रिचा ने सबसे पहले आंसर दिया है इसका, जो है डी आंसर, जो है डी आंसर्स। और देखो गलत आंसर दे रहे हैं हमारे विराट जी। आगे है मई 8 को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, क्या बनाया जाता है। पहला है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, फिर आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, फिर है आपका कॉमनवेल्थ डे। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, यहां पे आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस डे। क्या, कौन सा, रेड क्रॉस डे हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है कि डक्टाइलोग्राम इज रिलेटेड टू, डक्टाइलोग्राम किससे संबंधित है, अनाज से, सिरिल्स, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, टेलीप्रिंट, टेलीप्रिंट, परमाबुलेटरी, परमाबुलेटरी। जल्दी बताओ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ओके ओके विराट, ठीक है ठीक है। अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम यहां पे ना हमारा आंसर आ जाएगा फिंगरप्रिंट, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डक्टाइलोग्राम में हम क्या पढ़ते हैं, डक्टाइलोग्राम में हम पढ़ते हैं कि आपके जो फिंगर्स हैं उसके मार्क्स किसके अकॉर्डिंग कैसे बने हुए, किस सिग्नल से बने हुए, परंतु ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है कि हम आपको यहाँ पे फ्यूचर देख के बताएंगे, ज्योतिषी नहीं करते इसके अंदर हम बिल्कुल भी, ठीक है। पैटर्न देखते हैं फिंगरप्रिंट्स का कि किस प्रकार से प्रिंट बने हुए हैं आपके, ठीक है। जैसे कि बात करूं आपके, तीन प्रकार के फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं, आप देखना हर किसी के में मिलेगा, या तो किसी के में से अर्च मिलेगा, ऐसे ऐसे रखा होगा, फिर यहां से ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, ठीक है, या किसी में वर्ल होगा, ऐसे वर्ल होगा, ठीक है। एक दूसरा भी आपका, एक तीसरा टाइप भी आता है इनका, मिक्सचर जो आता है, ठीक है। तो आप देखना हर किसी के अंदर आपका इसी प्रकार से मिलता है, या फिर आपको मिलेगा ऐसे कि एक यहाँ पे अर्च आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ये वाली चीज मिलेगी। हर किसी के फिंगर में ये तीन पॉइंट होते हैं, यहाँ पे हर चीज वेरी करती है, ठीक है। वो हम डक्टाइलोग्राम में करते हैं, यहाँ पे आपका शादी कब होनी है, नौकरी कब लगनी है, ये चीज डक्टाइलोग्राम में नहीं बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिंगरप्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिंगरप्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते इसी के साथ अगला प्रश्न क्या कहता है कि इन बायोलॉजी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आर रेफर्ड टू एज, जीव विज्ञान में पानी में घुलनशील पदार्थों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोकाइनेटिक, हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोफोबिक। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग काफी स्टडी किया है मैंने, ओके वेरी गुड, आई थिंक देन यू नो कि मैं क्या बात कर रही हूं यहां पे अभी, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई यहां पे आंसर क्या हो जाएगा,
अब पानी में वो घुलेंगे जो पानी से करते हैं प्यार, पानी में वो घुलेंगे जो पानी में करते हैं प्यार। क्यों भाई? क्योंकि हम उसी के साथ तो जाएंगे ना जिसको हम मोहब्बत करते होंगे। ऐसे कोई भी आके बोल देगा तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? प्यार होगा तभी तो हम उसमें जाते हैं। किसी के अंदर डूबते कब हम, किसी के अंदर फना कब होते, तब हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो वही चीज आपकी यहां पे आएगी, ठीक, कि आपकी वाटर सोल्यूबल कब होंगे, जब वो वाटर से प्यार करेंगे। और वाटर से प्यार करने वाले हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक विशेषता नहीं है जीवन की। पहला है ऑर्गन सिस्टम, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन। अब बात करें तो आपकी यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। रिस्पॉन्सिवनेस को आपको एक चांटा मारो तो आप वहां पे क्या करोगे? हो सकता है एक आदत इतना कूल बंदा हो जो आपके गांधी जी की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हो, कहता हो कि भाई एक गाल पर चांटा मारा है तो दूसरा गाल में आगे कर दूं। परंतु हर बच्चा ऐसा नहीं होता, मेरे जैसा होगा, किसी ने ऐसे भी करे तो वही से हाथ घुमा के पटक के मारेगा उसको खींच के, ठीक है? यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस। रिप्रोडक्शन, चांटा मारना रिस्पॉन्सिवनेस होता है, यानी कि कोई बाहर अफेक्ट हो रही है चीज है, आप उसके लिए रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो होता है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन जिसको कहते हैं, ये तीनों के तीनों ही फीचर आपके लिविंग बींग के होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं, डी हो जाएगा, ठीक है? इसी के साथ वेरी गुड दीपक, दीपक बहुत सही, राकेश, मुकेश, मीना गलत आंसर दिए हैं, विराट बहुत सही। आगे है कि एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल इन विच क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर इज, उभयलिंगी जानवर का उदाहरण जिसमें क्रॉस निषेचन होता है। मैंने ये बताया था आखिरी क्लास थी और मैंने वहां पे आपको क्या पढ़ाया था, मैंने एनिलिडा पढ़ाया था। एनिलिडा किंगडम के अंदर, फाइलम के अंदर मैंने आपको ये फीचर बताया था। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जिसके अंदर आपके दो मादा और आपका नर दोनों चीजें हो, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, परंतु आपस में वो फर्टिलाइजेशन नहीं करते, वो किसी और जीव के साथ संबंध बनाते हैं। पहला हाइड्रा, एस्केरिस, अर्थवर्म, सिल्कवर्म। जल्दी बताओ यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? सिल्कवर्म, नो 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 नो, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सी, अर्थवर्म। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थवर्म हो जाएगा, कैचुआ हो जाएगा। बहुत सही रिचा शर्मा, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश। आगे प्रश्न है कि नेशनल साइंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 1 फरवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, 30 अप्रैल। बताओ जल्दी से। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी हो जाएगा, ठीक है? वेरी गुड दीपू। आगे प्रश्न है कि प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल इज डन इन साइंस ऑफ, ऐतिहासिक लेखों को परीक्षण किसके विज्ञान में किया जाता है? पहला है आइनोग्राफी, न्यूमास्टिक, म्यूजियोलॉजी, एपिग्राफी। बताओ जल्दी से। बहुत सही नीरज, वंदना, मुकेश, दिलखुश, सुनील, अनिल, योगेश, महेंद्रा। नाइस, गुड। यहां पे आंसर क्या आएगा? म्यूजियोलॉजी। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? म्यूजियोलॉजी। यहां पे आंसर आपका सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, संग्रहालय विज्ञान आ जाएगा। बहुत सही रिचा, हमेशा सबसे पहले आंसर देती है। चलो कृष्णा भी आई है अभी मैदान में। चलो आगे है कि अरेनोलॉजी इज, अरण्य विज्ञान है, स्टडी ऑफ एफाइड, स्टडी ऑफ स्पाइडर, स्टडी ऑफ माइट, रेयरिंग ऑफ बीज। जल्दी बताओ यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो अरेनोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? यस एग्जैक्टली, बताओ स्पाइडर्स के बारे में, स्पाइडर्स के बारे में। बहुत सही है भाई, तुम तो बहुत मौज कर रहे हो। मुकेश, मीना, कृष्णा, महेंद्रा, दीपू, वंदना, लोकेश, राम राम भाई, नमस्ते भाई, मनोज जी नमस्ते। चलो सुनील ने भी सही आंसर किया है। आगे है यू फीनिक्स इज, कि यू फीनिक्स है क्या? स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रेस। ये रेस यहाँ पे दौड़ने वाली रेस नहीं है, ये वाली रेस जो ह्यूमन रेस होती है, जैसे कि आपकी बात करो साउथ अफ्रीकन आपके कैसे दिखते हैं, हम कैसे दिखते हैं, या बात करो ब्रिटिश कैसे दिखते हैं, वो अलग अलग रेस है ह्यूमंस की, अलग अलग प्रजाति है, ठीक है? रेस ही बोलते हैं हिंदी में भी। या फिर स्टडी ऑफ कंडीशन अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, कि जीवों को प्रभावित करने वाली स्थिति का अध्ययन। या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से दोषपूर्ण अनुवांशिकता का उपचार। या फिर मैनिपुलेशन ऑफ जीन, कि आपके जीनों का हेर फेर। जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल थोड़े से प्रश्न बाकी है, 28 प्रश्न रह गए हैं, 29वें पे हम आ गए हैं, ये उल्टे हम चल रहे हैं। सभी बच्चों को बता देना चाहती हूँ, कहीं सोचे कि ये हो क्या रहा है, जल्दी बताओ। तो आपका यू फीनिक्स क्या आएगा?
स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रेस, ए हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मोस्ट अबंडेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाइड, कि पहचान की गई प्रजाति के संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पहला है फंजाई, दूसरा ग्रीन प्लांट, तीसरा बैक्टीरिया, फिर आपका इंसेक्ट। बताओ यहां पे आंसर आ जाएगा आपका सी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कीड़ा क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूं मोनेरा किंगडम बहुत वास्ट है। अब एनिमल किंगडम में एक फाइलम इंसेक्ट और वो पूरा किंगडम है, ठीक है, तो यहां पे आंसर बैक्टीरिया आ जाएगा। बहुत सही वंदना करिश्मा, हेलो आरिश। आगे है मायरमैकोलॉजी स्टडी ऑफ, अभी पढ़ा था ना चींटी यानी कि एंट्स, एंट। आगे प्रश्न है कि प्लांट जेनेटिक मटेरियल जीन बैंक इज प्रिजर्व एट -190 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन एज, कि जीन बैंक में हम पादप अनुवांशिक सामग्री को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित करते हैं। संरक्षित क्या किया जाता है, सीडलिंग और मेरिस्टेम, मैच्योर सीड, प्री मैच्योर सीड, राइप फ्रूट। शानदार, और एवरीवन डू लाइक द सेशन, सेशन को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, सेशन को लाइक कर देंगे सभी बच्चे। सी मैच्योर सीड आएगा यहां पे आंसर, बी आएगा यहां पे, क्या आएगा, परिपक्व बीज आएगा, ठीक है। बहुत सही ऋचा शर्मा। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, बताओ जल्दी से। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका बैंगलोर, क्या आ जाएगा, बैंगलोर। चलो अगला प्रश्न है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इन इज ऑब्टेन्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होती है, उस प्रक्रिया को जो प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा फैगोसाइटोसिस, फिर आपका फोटो रेस्पिरेशन, फिर आपका डीकम्पोजिशन। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरिश ने कहा है सी, जादूगर का जादू। ठीक है आरसीबी, चलो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, मेटाबॉलिज्म, क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, उपापचय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे है साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, आपकी मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैडोलॉजी, पैडागॉजी, इकोलॉजी, पोमोलॉजी। पैडागॉजी तो आप सेट में रीट रूट में पढ़ते हैं, है ना, वो पैडागॉजी होता है, मिट्टी के लिए पढ़ते हैं तो मिट्टी के लिए आपका पैडोलॉजी हो जाता है, क्या होता है, पैडोलॉजी, ठीक है। आगे प्रश्न है कि भी एग्रोनॉमी इज प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग, कृषि विज्ञान उगाने की प्रथा है क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्रॉप प्लांट, कृषि, केवल फल पौधे, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की बात हो रही है यहां पे, बताओ जल्दी से। अभी अभी हम पढ़ के आए थे फसल के पौधे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, इट्स अ इशू। यहां पे आपका 3 दिसंबर आएगा, ये 3 यहां नहीं, यहां आएगा, और आपका आर्म फोर्स फ्लैग डे 8 दिसंबर। जल्दी से बताओ अब यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे मैं ही बता देती हूँ फटाफट से, डी वाला गलत है, ठीक है, और करेक्ट क्या है मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलो अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ फिश, कि निम्नलिखित में से जो एक प्रकार की मछली है, पहला सी होर्स, कोरल, सिल्वर फिश, नन ऑफ द अबव।
एवरीवन डू लाइक द सेशन। चलो सी और डी, ओके बहुत सही विराट। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न हो जाएगा ए, यानी कि समुद्री घोड़ा जो होता है वो आपका एक्चुअल में घोड़ा नहीं होता, वो टुम 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 करके नहीं चलता, वो आपकी मछली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूनम बहुत सही, बहुत सही। आगे है द ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग इन देयर एक्शन इज नोन एज, औषधियों और उनकी क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फार्मेसी, पैलियोजोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। जल्दी से बताओ यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी सा प्रश्न है और बस इट्स अबाउट टू डन। सिर्फ 18 प्रश्न रह गए हैं, जल्दी से कवर करेंगे इनको, 51 हो गए हैं। बताओ जल्दी क्या कहते हैं। बहुत सही रिचा, रिचा जो है ना हर आंसर को सटीक देती है, सबसे पहले देती है। बहुत सही करिश्मा, आपने सिर्फ फार्मा लिख दिया और मैं समझ नहीं पाई ये फार्मा फार्माकोलॉजी का फार्मा है या फार्मेसी का फार्मा है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, कि खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कहां पे स्थित है? चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद, बेंगलोर। जल्दी बताओ, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी। अभी देखो हमारे विराट जी कर लेते हैं रिट्रैक्ट मैसेज को। ठीक है, आगे प्रश्न है कि इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? योगा दिवस सुनते ही रामदेव बाबा की किस किस को याद आई ये मुझे बताइएगा। कवर आ जाते हैं भाई 21 मई को, 21 जून को, 25 मई को, 25 जून को। मेरी ऋचा के लिए बहुत अच्छे आंसर देती है लड़की, बहुत शानदार, बहुत सही रिचा, वेरी गुड। बी देखो सबसे पहले आंसर कर देती है ये, बी 21st जय श्री राम, बी बहुत सही। चलो आगे है कि एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ, कीट विज्ञान किसका अध्ययन है? बर्ड्स, इंसेक्ट, फॉसिल, फंजाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा गर्मियों में। चलो तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीड़ों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? कीड़ों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है कि मेस्टोलॉजी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ, मेस्टोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन शामिल होता है? देखो आपने देखा होगा कि भाई मेस्ट जो होता है ना वो मेस्टोलॉजी किसके अंदर आएगा, वो मेस्ट का मतलब क्या होता है? मेस्ट का मतलब होता है कि भाई आपकी जो ब्रेस्ट होती है, एक ब्रेस्ट के सेल को हम कहते हैं मेस्ट सेल। ठीक है, और हम जब बात करते हैं मेस्टोलॉजी की तो उसमें हम ब्रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? स्तन आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ विराट तुम्हें भी आते हैं प्रश्न, मैंने कब कहा, आते हैं तुमको, बिल्कुल आते हैं, एक आधा गलत हो जाते हैं कभी, मुझे पता है। करिश्मा को भी आते हैं, करिश्मा भी बहुत अच्छा आंसर देती है, और आरिश भी आ गए हैं तो आपको कंपटीशन देने। आगे गायनेकोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सर्विक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी, यूट्रस। स्त्री अध्ययन रोग अध्ययन किससे संबंधित है? भाई आपने गायनी वर्ड सुना होगा कि भाई कोई लड़की ऐसे कहते हैं मेरे ना पीरियड्स नहीं आ रहे टाइम से, रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे, या फिर उसको बच्चा कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है वजाइना में, तो वो गाय कहते हैं गायनी के पास चली जाओ, गायनी के पास जा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा, है ना। तो गायनी आपकी वो होती है, गायनेकोलॉजिस्ट वो होती है जो आपकी पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। ठीक, बी। चलो आगे प्रश्न है कि लार्जेस्ट लिविंग एप इज, कि सबसे बड़ा जीवित वानर कौन सा है? ऑरंगटून, गोरिल्ला, गिबन, चिंपैंजी। अभी अभी बताई थी मैं, हां जी दीपो आप भी सही आंसर करते हैं। चलो बी, नहीं गिबन, गिबन क्या जाएगा? गिबन हो जाएगा।
ठीक है। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आप सभी को ये, सॉरी सॉरी, लिविंग की बात की है यहाँ पे, लिविंग की बात की है, लिविंग, लिविंग में गिबन नहीं आएगा, फिर गोरिल्ला आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि इन वर्टिब्रेट डज नॉट हैव, अकशेरुकी के पास नहीं होती है क्या, नोटोकॉर्ड, बॉडी कैविटी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो इन वर्टिब्रेट कौन से होते हैं जिसके पास नोटोकॉर्ड ना हो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वाला आंसर हो जाएगा, कौन से वाला, ए वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, जेलीफिश, लॉबस्टर, सैल्मन, व्हेल, बताओ। बहुत सही विराट, बहुत सही। बारह का वेल मत बोलना, वेल एक मैमल है, वेल एक मैमल है, और यहां पे आंसर आपका सालमोन है, क्या है, सालमोन, डी कैसे होगा, वेल इज अ मैमल, वेल इज अ मैमल, मुझे पता था यही आंसर करोगे, पता था यही आंसर करोगे, वेल इज अ मैमल। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी ऑफ फॉसिल, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इथोलॉजी, इटियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, बताओ बताओ। और एवरीवन डू लाइक द सेशन, यू आर नॉट लाइकिंग द सेशन, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। चलो बताओ जल्दी से, हाँ डी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे वो हो जाता है कई बार, क्या बात होगी, शब्द तो मैंने सही दिया है, अब की बार ऋचा ने दिया है गलत आंसर। चलो अब बड़े खुश हो जाएंगे दूसरे बच्चे की, भाई चलो अब हम आगे निकल सकते हैं। आगे है एनिमल अडेप्टेड टू लाइफ इन एयर आर कॉल्ड, कि आपके हवा में जो अनुकूलित हो जाते हैं जानवर उसको हम क्या कहते हैं, वृक्षारोपित, कर्सियल, वोलेंट, या फिर आपका जीवाश्मी। अब कुछ अर बोलेंगे मैम, अर्बोरियल, अर्बोरियल, गुड मॉर्निंग, ओके पमी झारखंड से, वेलकम पमी, वेलकम ऑन राजस्थान अंडर 24/7। केवल, ओके, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वोलेंट, स्वैच्छिक। अब जिसको लग रहा है एर्बोरियल, तो मैं बता दूं ये ट्रीज के लिए होता है, जैसे कि आपके बंदर, ठीक है, नाइन्थ का सी, बहुत सही। आगे है ब्रायोफाइट आर ऑफन कॉल्ड इज एम्फीबियन प्लांट बिकॉज दे आर फाउंड इन बोथ वाटर एंड लैंड, डू नॉट हैव हैबिटेट प्रेफरेंस, कैन ईट इंसेक्ट, अपियर लाइक फ्रॉग, बताओ क्यों कहा जाता है उनको एम्फीबिया, पानी और जमीन दोनों पे पाए जाते हैं, या फिर आवास वरीयता नहीं है, कीड़े खा जाते हैं, मेंढक की तरह दिखाई देते हैं, क्यों, आखिरकार क्यों, एम्फीबिया कौन से होते जो पानी में भी रहे और धरती पे भी रहे, तो आपका आंसर ए वाला यहां पे सही हो जाएगा, ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कोकेन इज अ नर्व डेप्रेसेंट, नर्व इनिशिएटर, नर्व स्टिमुलेंट, नर्व इंपल्स इनिशिएटर, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, नर्व स्टिमुलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नर्व स्टिमुलेंट हो जाएगा। प्रणाम भाई, प्रणाम जालिम सिंह, अच्छा आ गया तू भी, आशु एके, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया भाई तुम तो। चलो अगला प्रश्न है कि भाई नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, नागरिक प्रशासन। और एवरीवन डू लाइक द सेशन, यू आर नॉट लाइकिंग द सेशन, इट्स योर ड्यूटी कि आज आप कम से कम 100 लाइक्स करवाओगे, सेशन एंड होने से पहले कितने कराओगे, 100 लाइक्स कराओगे, इट्स योर ड्यूटी,
पूरा ज्ञान है तुमको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, करिश्मा ने सही आंसर दिया। और रिचा फिर आगे निकलती हुई, डी आंसर सही, बहुत सही दीपू, बहुत सही। आगे, स्टडी ऑफ टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेम इज परफॉर्म्ड अंडर, तने में उत्तक वितरण का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है, पहला एनेटमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोफिजियोलॉजी, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जब भी हम बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, इसमें आएगा हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान, उत्तक विज्ञान। चलो अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनमेड डिजास्टर विच इज सोशली इंड्यूस्ड, निम्नलिखित मानव निर्मित आपदाओं में से कौन सा सामाजिक रूप से प्रेरित है, पहला है डेब्रिस, एवलांचे, एवलांचा होता है हिमसंखलन, दूसरा है सॉल्ट वाटर इंट्रूशन, फिर आपका खारे पानी की घुसपैठ, या फिर आर्सन, या फिर ओजोन डिप्लेशन, बताओ जो आपका मानव निर्मित आपदा है वो बता दो, बस इतनी सी चीज बतानी है। आर्सन, 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 सी, आशु जालिम सिंह कौन है, पीबी तो नहीं है। चलो आगे प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, निम्नलिखित में से कौन एक लुप्त प्राय प्रजाति है, पहला है ब्लैक बक, ब्लू शिप, गैंगियाटिक डॉल्फिन, मिथुन। लुप्त प्राय, लुप्त प्राय वो होते हैं जो लुप्त होने वाले होते हैं परंतु लुप्त नहीं होते, बताओ जल्दी से। एवरीवन डू लाइक द सेशन, इट्स योर ड्यूटी टू मेक इट 100 टुडे। अगर आज आपने 100 नहीं कराया ना तो लाइक सीरियसली गाइस, मन से अपन चाहेगा मेरा तो बिल्कुल ही। ब्लैक बक, काला हिरण, ध्यान है सलमान खान का केस, सलमान खान कहते वैसे तो सलमान खान है फिर भी हिरण मारता है, हिरण मारता है फिर पकड़ा भी जाता है, फिर कोर्ट में पेशी भी लगती है, तो यहां पे आंसर ए हो जाएगा। हाँ आशु एक को सब पता है। चलो आगे प्रश्न है, हु इज फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के जनक कौन है, लैमार्क, एरिस्टोटल, लीनियस, डार्विन, इजी है। बायोलॉजी से शुरू करते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी के हैं एरिस्टोटल, फिर दो ब्रांच आती हैं बॉटनी, फिर जूलॉजी, जूलॉजी के भी एरिस्टोटल, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस। एक और आती है ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी के होते हैं ल्यूवेनहॉक, कौन से, ल्यूवेनहॉक। और यहां पे क्या जाएगा आपका आंसर सीधा सीधा सा, सही आंसर किया है विराट ने, विराट ने सही आंसर किया है, उसने कहा है एरिस्टोटल, ठीक है। डी डार, वाह वाह मेरे शेरो वाह, मैंने आपसे इवोल्यूशन पूछ लिया, मैंने जूलॉजी पूछा है। बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पांडा बिलोंग टू द फैमिली, टू द सेम फैमिली एज द डॉग, पांडा एक ही परिवार से संबंधित है, कौन से, भालू से, कंगारू से, पॉसिपियन से, वेल से, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है डियर, भालू। तो देखो आपका एक चैप्टर जो पहले वाला चैप्टर था उसके प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट, और अब हम शुरू करने वाले हैं कौन से वाला, हम शुरू करेंगे अभी दूसरे वाला, ठीक है। आपको हम दूसरे वाला, कौन सा दूसरे वाला बेटा, अभी करते हैं हम शुरू, जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है, कर दे शुरू इसको। चलो अब इसके कम से कम आपको 80-82 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, उसके प्रश्न है। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, पहला है ब्लेड वॉल्ट, बटर वॉल्ट, हॉर्न वॉल्ट, पिचर प्लांट, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका। हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट, हा
ये सही है पूनम चौधरी। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट, इनमें से कौन सा कीट है, स्टार फिश, सॉ फिश, सिल्वर फिश, टूना फिश। देखो अगर मेरे अकॉर्डिंग साथ ही साथ कर लोगे ना बेटा, कि मतलब हमने पहले थ्योरी पढ़ी अब उसके एमसीक्यूज, तो पूरी प्रैक्टिस हो जानी है, कहीं से कुछ भी आ जाए आपका टैकल हो जाएगा इजीली, बट रेगुलर रहना पड़ेगा। शर्त एक ही, जुड़ना है 12 बजे डेली, मंडे टू फ्राइडे 12 या 1 बजे, देख लेना टाइम जो भी हो गिवन। बताओ जल्दी से, सी सिल्वर फिश एक कीट होता है, मछली नहीं होती है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि क्लोन्स आर, क्लोन क्या है, प्लांट रेज फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, एक ही माता पिता से उगाए गए पौधे, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड वेजिटेटिवली, वनस्पतिक रूप से उत्पादित पौधों की जनसंख्या, या फिर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, अनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। आशु एक क्या लिखाऊं फिर मैं अपने हाथ पे टैटू बनवा के, बताओ जल्दी से भैया, सभी के सभी किसके फीचर्स हैं, सभी के सभी क्लोन्स के फीचर हैं, किसके फीचर है, क्लोन के फीचर हैं। तो यहां पे आंसर आपका डी आ जाएगा, ए नहीं आएगा, सारे के सारे सारे। चलो आगे प्रश्न है कि इन विच फाइलम एनिमल डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड टिनिडिया, ये चीज मैंने आपको बताई थी, कहा था इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, टिनिडिया से कौन से फाइलम जो है श्वसन करते हैं, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क, एक्नोडर्मेटा, कोर्मेडेटा, कुछ पूछे पूछेंगे टिनिडिया क्या है, आपको बोलते हैं जब ढेर सारे गिल्स, एक गिल होता है आपको गिल्स बोल देते हो, दो गिल्स होते हैं दो मछलियों में जनरली, परंतु आपकी टिनिडिया के अंदर ढेर सारे गिल्स होते हैं एक साथ, ठीक है। जल्दी बताओ यहां पे आंसर क्या जाएगा, और वो किसके अंदर बताया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था मोलस्क का, बी मोलस्क फाइलम में, मोलस्क। आगे प्रश्न है कि डॉल्फिन क्या है, एक फिश, रेप्टाइल, मैमल, टर्टल, अभी भी मैंने बताया था क्या होती है, मैमल, क्या होती है, मैमल। आगे प्रश्न है कि एनिमल विच हैव वेल मार्क्ड डाइजेस्टिव कैविटी आर पुट अंडर, जंतु, जिन जंतुओं में पाचन गुहा स्पष्ट होती है उनको हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ, पैराजोआ, ब्रायोजोआ, एंटेरोजोआ, बताओ। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, एंटेरोजोआ, क्या हो जाएगा, एंटेरोजोआ। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल, इनमें से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से जीवित प्राणी है, लिवर फ्लूक, वाउचेरिया, प्लाज्मोडियम, प्लानेरिया, जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या है, इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपका प्लानेरिया, जो है प्लानेरिया, बहुत सही। चलो स्पीड खींचते क्योंकि हमारे पास 11:09 हो गई है, 12 बजे तक हमको ये कवर करना है, और प्रश्न 82 है, ठीक है, फटाफट खींचे सेशन को। चलो आगे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैपेसिटी ऑफ रोटेटिंग इट्स आई इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में घुमाने की क्षमता है, ठीक है, क्या भाई, आउल, हॉर्स, कैमेलियन, ह्यूमन, हम सबको पता है यहां पे उल्लू आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, उल्लू, दैट इज आउल, आउल, उल्लू, 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 उल्लू। चलो आगे है, अमीबा एक्वायर्ड फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अमीबा जो है अपने भोजन को किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फिर एक्सोसाइटोसिस, बताओ। 120 की स्पीड से चलने दे, जल्दी बताओ। तो यहां पे आंसर जाएगा फैगोसाइटोसिस, क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस, बी। अच्छा हाँ, थैंक्स थैंक्स विराट, बड़ी तेज नजर है तुम्हारी। आगे फ्लो ऑफ ब्लड इन डोर्सल ब्लड वेसल ऑफ अर्थवर्म इज, कि भाई केचुआ की पृष्ठीय रक्त वाहिका में रक्त का प्रवाह होता है, फॉरवर्ड, साइडवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, बताओ। तो यहां पे आप कहां से को, हर किसी का ना प्रवाह सीधे ही होता है, कैसे होता है, सीधे ही होता है, तो आपका यहां पे आंसर हो फॉरवर्ड हो जाएगा,
चलो अब चले। पॉइजन ऑफ हनी बी इज, मधुमक्खी का विष है कैसा? एसिडिक, एल्कलाइन, सॉल्टी, प्रोटीन। बस सीधी सी बात है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ेगी तो आपका यहां पे एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय। ठीक, आगे प्रश्न है, बर्ड विच स्विम इन वॉटर है, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पास से क्या? वेब्ड फीट, ब्रॉड विंग्स, लॉन्ग बीक, टॉयज विद क्लोज। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। सबके सबको पता है कि भैया उनके जो होते हैं ना फिट ऐसे होते हैं, तीन ऐसे होके फिर इधर ऐसे होते हैं, है ना, ये वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट, जालीनुमा पैर, जालीनुमा पैर, ए। बहुत सही दीपू। आगे प्रश्न है कि कॉड इज अ वैरायटी ऑफ, कॉड किसकी एक किस्म है? पहला बकरी, मछली, फसल, कोरल। बताओ कॉड, कॉड, कॉड का क्या हो जाएगा? बी, फिश। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड रिचा, दीपू, जालिम सिंह, मुस्कान, गुड मॉर्निंग। आगे है, बीक इज फॉर्म्ड बाय, चोंच का निर्माण होता है किससे? चीक से, जो से, टित से, नन से। हम सबको पता है चोंच कहां से आएगी, जबड़े से। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? जो, जबड़ा। ठीक, अगला प्रश्न है कि पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट इन, बाह्य कर्ण किसके अंदर उपस्थित होता है? उभयचर, मछली, स्तनपाई, सरीसृप, एम्फीबिया, फिश, मैमल, रेप्टाइल। कभी भी किसी मेंढक में नहीं देखा होगा कान, जैसे हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपने कभी भी किसी भी मेंढक के अंदर नहीं देखा होगा, ना ही ये वाले जो चीज है आपने कभी मछली में देखी होगी, ना ही आपने कभी सांपों में देखी होगी, है ना, रेप्टाइल में देखी होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैमल, स्तनपाई, मैमल्स। ठीक है, 15 का सी। चलो आगे प्रश्न है आपका, मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्नेक्स आर, भाई आपके अधिकांश भारतीय सांप है कैसे? जहरीले, गैर जहरीले, सुस्त और सुंदर। भाई बात ऐसी है, जब वो मार गया डंक तो काय का सुंदर, जहरीले तो नहीं होते, मस्त काटते हैं बिल्कुल, वो होते हैं नॉन पॉइजनस, ज्यादातर नॉन पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस कम होते हैं, कोबरा होता है पॉइजनस। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटा पक्षी है? पिजन, पैरट, हमिंग बर्ड, हाउस स्पैरो। हम सबको पता है इसका आंसर, हमिंग बर्ड। क्या? हमिंग बर्ड, सी। चलो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनपाई है? पहला है कंगारू, फिर दूसरा है मोनोट्रेम, फिर आपका बैट, फिर आपका वेल। बताओ जल्दी से। हेलो दीपू, बताओ जल्दी से, बहुत इजी सा प्रश्न है यार। एग लेइंग मैमल, या तो यहां पे प्लैटीपस होता है या फिर यहां पे है मोनोट्रेम। ठीक, अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निम्नलिखित में यौन प्रजनन का एक रूप है? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, हर्माफ्रोडिटिज्म, फिजन। और सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, एवरीवन डू लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन। यहां पे आंसर हो जाएगा आपका हर्माफ्रोडिटिज्म, जो आप किसमें देखते हो? केंचुओं में देखते हो, उभयलिंगी, उभयलिंगी। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक पेंसिलिन कहां से प्राप्त की गई थी? पहला सिंथेटिक प्रोसेस से, फिर बैक्टीरिया से, फिर एक कवक से, फिर आपका वायरस से। आप सबको पता है पेंसिलिन जो है आपका पेंसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई से लिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंगस। और नाम क्या था उसका? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, जय माता दी भाई।
आगे प्रश्न है कि आपको इन तीनों के बारे में देखना है या आपके मैमल्स हैं या नहीं है। पहला है सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। तो बताओ इसमें मैमल कौन सा है? सिर्फ पहला, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सारे बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आपका यहाँ पे सी का और सी लाइन जो एक एनिमल है, क्या है? दोनों एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका पहला और तीसरा हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। अब इसके अंदर तीन वर्ग दिए गए, अब आपको बताना है इसमें अलग कौन से फाइलम का है। क्रैब, माइट, स्कॉर्पियो, स्पाइडर। केकड़ा, माइट, बिच्छू, स्पाइडर, बताओ जल्दी से। तो भाई केकड़ा आपका इससे अलग हो जाएगा, क्रैब, क्रैब, नहीं अभी कोई रद्द नहीं हुआ है, अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है वीडियो में, रद्द नहीं हुआ है। तो डोंट वरी गाइस, अभी कोई रद्द नहीं हुआ है। आगे है कि चार पैरों वाले किसके अंदर, चार पैर किसके अंदर पाए जाते हैं। पहला है स्कॉर्पियो, बिच्छू, दूसरा श्रिंप, झिंगा, स्पाइडर, मकड़ी, फिर बग। अब इसमें से बताना है किसके अंदर चार पैर पाए जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे में, पहले और तीसरे में, तीसरे और दूसरे में, दूसरे और तीसरे में, बताओ बताओ। तो यहां पे आंसर आ जाएगा कि आपका पहले और तीसरे के अंदर ही पाए जाते हैं चार पैर। तो आपका बी आंसर यहां पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस कहां से प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, एल्गी से, लाइकन से। बताया था ना ये, बस एक घंटा और, 17 हो गए ना, 81 प्रश्न करने हैं, 80 का प्रसाद चढ़ाना है इसमें। फटाफट कर लो, मैं छोड़ दूंगी क्लास, आपके ऊपर डिपेंड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, फोन साथ में ले जाओ, वहीं पे जाके चला लेना, वहीं पे नहा लेना, सुनते रहना, कम से कम सुनते लोगे। आंसर हो जाएगा लाइकिन, लाइकिन। अगला प्रश्न है कि विनेगर मेड बाय फर्मेंटेशन फ्रॉम केन शुगर कंटेन्स, गन्ना चीनी से किण्वन बनाए गए सिरके में शामिल होता है क्या? पाल्मिथिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। वैसे ना विराट एक बात है, तब भी जनरली मतलब तुम बोल रहे नहाने जा रहा हूं, रूल है ये, निब्बा निब्बी रूल, कि जब भी कोई बोलता है कि मैं नहाने जा रहा हूं तो आगे से ये रिप्लाई आना चाहिए, अकेले अकेले। परंतु क्योंकि ये आपका निब्बा निब्बी चैट नहीं है, ठीक है, तो आप अकेले अकेले जा सकते हैं, ठीक है, चलो। सी नहीं, यहां पे एसिटिक एसिड हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। चलो यार चलो, अगला प्रश्न है आपका कि अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अंगोरा ऊन कहां से निकाला जाता है? रैबिट, शीप, फॉक्स, गोट। बहुत स्मूथ और बहुत मतलब मैं कहती हूँ एक क्या होता है, रिंग, रिंग से पूरा का पूरा शॉल निकल जाता है, ऐसी होती है अंगोरा वूल, बताओ जल्दी से, चलो बताओ। हाँ, क्योंकि पहली बार साइंस जुड़ी थी ना, एलएम रिएक्शन। चलो 25th का तो डी ठीक है और 26th का ए हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रैबिट, खरगोश। और ये मेकअप ब्रश बनती है, ये भी आपकी बहुत सारी ऐसी जो रैबिट के उससे बनती है, बालों से। आगे है व्हाट इज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या है? एक फंगस, एक फॉसिल, एक प्लांट, एक एनिमल, बताओ जल्दी से। वंदना इज बैक, चलो 12 बजे चले जाना, नहा के आ जाना, 12:30 बजे वापस मिलना। यहां पे आंसर हो जाएगा एनिमल, क्या हो जाएगा, एक एनिमल, वो निबा है, वो निबी है, कुछ भी कर सकते हैं ब्रो। चलो आगे है, केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर टैंक इज, कि पानी की टंकियों में कई बार एल्गी का नाम दिया जाता है, कई बार फंगस का नाम दिया जाता है, तो उसका आंसर सिर्फ एक होता है, कॉपर सल्फेट। क्या होता है हमेशा आंसर उसका एक ही, कॉल्ड कॉपर सल्फेट। आगे है विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बीइंग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन, यानी मस्तिष्क नहीं है,
मस्तिष्क नहीं है, दिमाग नहीं है, परंतु उसके अंदर जो है सांस लेने के लिए ऑर्गन है, अंग है। पहला है क्रैब, स्टारफिश, ब्लड सकर, सिल्वर फिश। आशीष बसेता, स्पंज की तो बेटा मैंने इतनी डिटेल्स दे रखी है कि तू क्लास जाके देख तेरे को डिटेल डिटेल मिलेंगी, ठीक है, और पता चले फिर स्पंज की जैसे तेरे दिमाग में भी पोर हो जाएंगे फिर पढ़ पढ़ के। मतलब क्या प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे? ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं मैं, ये पूरे हफ्ते यही पढ़ा था मंडे टू फ्राइडे। क्लास जाके देखना एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन से, या फिर आपकी सिर्फ ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन के नाम से क्लास मिलेगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? बी, बी हो जाएगा। स्टारफिश में दिमाग कहाँ होता है? रेस्पिरेशन जरूर करती है वो, डी नहीं होगा यहाँ पे, गलत आंसर कर दिए। आगे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज साइंटिफिक नेम ब्लैटेरिया। ब्लैटेरिया किसका साइंटिफिक नाम है? बीटल का, कॉकरोच का, मॉस्किटो का, बटरफ्लाई का। चलो बी, और मैंने यही कहा था कि ना आपको आज ना 1000 लाइक करने, 1000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 तो छोड़ो, आपने तो 50 की भी अभी नहीं की है, हाफ भी नहीं करा। व्हाट इज दिस? डू लाइक द सेशन गाइस, कोई नहीं तो उसको बंदरिया बना दे। चलो बताओ जल्दी, बी, बी कॉकरोच का होता है, कॉकरोच का होता है भाई, कॉकरोच का होता है, बीटल का नहीं होता। ए नहीं होगा इसका आंसर। ब्लैटेरिया सुन लिया तो मतलब बीटल, कुछ भी होमो सैपियंस है तो ह्यूमन, ऐसे नहीं होता, कई बार उल्टे सीधे नाम दिया जाते हैं भाई। ठीक है, ए नहीं है इसका आंसर, बी है इसका, कॉकरोच। ठीक, चलो आगे प्रश्न है, ईस्ट इज अ खमीर क्या है? बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी और ब्रायोफाइट, बताओ। तो भाई ओ तेरी पारी खिंच गया। ईस्ट जो है फंगस होती है जो कि यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है, और अपवाद होती है। क्यों? क्योंकि सभी कोशिक जब ही सभी की सभी फंगस जो है मल्टी सेलुलर होती है, परंतु ईस्ट इकलौती ऐसी है जो यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसी के साथ यहां से फंगस ईस्ट से हम एक चीज और करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम को निकालते हैं। किसको? इन्वर्टेज एंजाइम को निकालते हैं। इसी के अलावा ईस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं दारू पेग शेग बनाने में और खाना सॉफ्ट बनाने में, ब्रेड्स में। ठीक है, चलो आगे आंसर चलते हैं आगे प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि मेल मॉस्किटो टेक देयर फूड फ्रॉम, नर मच्छर अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? ह्यूमन ब्लड से, स्टैंडिंग वाटर से, सैप ऑफ प्लांट से, डंग एंड डेब्रिस से। तो आपको मैंने एक चीज बताई हुई है, एक चीज बताई हुई है कि भैया आपका जो ये होती है ना नारी, नारी जो होती है मच्छरों में वो होती है मतलब खून पीनी। मैंने सुखी बोला लेकिन डेलो कभी भी वैसे होता नहीं ऐसा जनरली कि मेल इतने शरीफ होते हो, पर मच्छरों में जो मेल होते हैं वो शरीफ होते हैं, वो किसी को काटते नहीं है। यहाँ पे जो खून पीनी होती है, खून पीनी होती है मादाएं, फीमेल, वो काटती है डंक टक टक करके। ठीक है, तो फिर बात ऐसी, अगर वो मेल खून नहीं पीते तो फिर वो रहते किस पे है? तो वो रहते हैं प्लांट सैप पे, पौधों के रस पे, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेजिटेरियन। आशीष बसेता, भाई सबके जैसा अपना भी रूल है, मुफ्त की मिले तो क्यों नहीं। चलो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? पहला बैट यानी कि चमगादड़, दूसरा वेल, तीसरा वीजल, फिर प्लैटिपस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आशीष बसेता प्योर वेजिटेरियन, ठीक है, हनुमान की भगत जैसे होते ना वैसी हूं मैं। चलो अच्छा, फीमेल ही पीती है, तो भाई यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? प्लैटीपस, प्लैटीपस।
चलो आगे प्रश्न है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, कि आपका बीटी बैंगन बनाया था ना, उसका क्या मकसद था? पहला कि उसको हम पेस्ट रेजिस्टेंस बना देंगे, कीट प्रतिरोधी बना देंगे, या फिर उसका स्वाद और उसका पोषक मूल्य सुधार कर देंगे, या फिर उसको हम सूखे प्रतिरोधी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर शेल्फ लाइफ लॉन्गर कर देंगे, उनका जीवन काल लंबा कर देंगे। बताओ जल्दी से। और एवरीवन डू लाइक द सेशन, अगर आप सेशन लाइक नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है? बताओ जल्दी से। चलो ए, बहुत सही, 34 का ए, ठीक है। बताओ जल्दी से, आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा अल्फा इज द नेम ऑफ मिनरल ट्राइब ग्रास टाउन, खनिज जनजाति घास टाउन। बताओ जल्दी से क्या है अल्फा अल्फा, क्या है अल्फा अल्फा? यहां पे आंसर हो जाएगा ग्रास, घास। क्या हो जाएगा? ग्रास, घास हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन, निम्नलिखित में से किसका जीवन काल अधिकतम है? पहला है ईगल, टॉर्टॉइस, टाइगर, एलिफेंट। मेरी बात ऐसी है, जब लोग कवारे होते हैं ना तो उसको दिन में भी ड्रीम्स आ जाते हैं कई बार शादी के, ठीक है। चलो प्रश्न आंसर यहां हो जाएगा टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस। इसीलिए कहती पढ़ लो, नहीं तो टॉर्टॉइस जैसे जिंदगी लगेगी लंबी, ठीक है। आगे है कि द फंजाई विच इज अपीयर्ड ऑन द बार्क ऑफ द प्लांट इज, कि पौधों की छाल पर दिखाई देने वाली कवक कौन सी होती है? कॉर्टिकोलस, जूफिलस, सेक्सिकोलस, कॉर्फोफिलस। अब यहां पर सेक्सिकोलस का मतलब कतई ही नहीं है कि वो आपकी सेक्सी लगेगी, ठीक है। बताओ, ओहो प्यार मोहब्बत दे रहा है कछुए को। तो दूसरे प्लांट पे अगर उगता है तो आपका कॉर्टिकोलस क्या हो जाएगा? कॉर्टिकोलस, ठीक है। आगे है कि मैमल्स कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इज, उड़ने में सक्षम स्तनपाई है, जैगुआर, ऑस्ट्रिच, पेलिकन, बैट। कौन सा जाएगा? तो यहां पे आंसर हो जाएगा बैट, चमगादड़। अच्छा आगे है, मधुमक्खी की उड़ने की औसत गति क्या होती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ डी डी डी, बहुत सही। आगे है कि मेडिसिन ऑफ एपिलेप्सी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन, मिर्गी की दवा लाइकेन से निकाली जाती है, कौन सी से भाई? लेकोनेरा से, रोजेला से, एंडोकार्पोन से, पारमेलिया से। लिखवाया हुआ प्रश्न है, लिखवाया हुआ प्रश्न है डी, पारमेलिया। आगे प्रश्न है कि ऑक्टोपस हैज, ऑक्टोपस के पास है जॉइंट लिम्ब, संयुक्त अंग, सॉफ्ट स्किन, नरम त्वचा, हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट सॉफ्ट लेयर और मेम्ब्रेन, परत या झिल्ली को नरम करने वाली चीज। हेलो माही, एंड डू लाइक द सेशन एवरीवन, लाइक द सेशन, ओके। तो मतलब लगातार डी चलने दे, लगातार डी चलने दे। आगे है कि द ओनली स्नेक विच फॉर्म द नेस्ट इज, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है कौन सा? चैन वाइपर, किंग कोबरा, कैरेट, सो स्केल्ड वाइपर। बताओ जल्दी से।
बहुत सही, कोबरा, किंग कोबरा। हाँ मेरा भाई यूजी बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। आगे प्रश्न है कि फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड इज, कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक उड़ानहीन पक्षी है कौन सा, ऑस्ट्रिच, एल्बेट्रस, कीवी, नन ऑफ दीज, बताओ जल्दी से। तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी, कीवी। आगे है लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड विच कैन रन मोस्ट फास्टली इज, सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी जो सबसे तेज दौड़ता है परंतु उड़ नहीं सकता, वो आपको पता है ऑस्ट्रिच होता है, शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग। शौक है भाई लिखने का। आगे है वेयर द बर्ड पेंगुइन इज फाउंड, पेंगुइन कहां पाए जाते हैं, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एंटार्क्टिका में, नॉर्थ अमेरिका में, बताओ जल्दी से। क्या जाएगा यहां पे आंसर, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका। आगे प्रश्न है कि डॉल्फिन इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, डॉल्फिन इसमें से किस वर्ग का उदाहरण है, एम्फीबिया, एफ, मैमल, पाइसेस, बहुत बार कर चुके हैं, मैमल, मैमल। आगे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमल, मैमल नहीं है, फिश, बैट, व्हेल, हम सबको पता है फिश मैमल थोड़ी है, मछली। आगे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा जोड़ा गलत है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, फ्रॉग एम्फीबिया है, टाइगर रेप्टाइल है, है टाइगर रेप्टाइल है, तो आपको ये गलत है, तीसरा, बहुत सही। आगे प्रश्न है कि वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, अमीबा अपना भोजन कहां पचाता है, सुडोपोडिया में, न्यूक्लियस में, फूड वैक्यूल में, सेल मेम्ब्रेन में, भोजन ही पचाना है तो फूड वैक्यूल में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक, ये अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, पहला है डार्विन, फिर मेंडल, लेमार्क, डी वेरिस, बताओ जल्दी से। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं आपके, मेंडल, जिन्होंने सबसे पहले काम किया था, जॉर्जर मेंडल के नाम से भी आप उनको जानते हैं, बहुत सही, बहुत सही, विराट तो लगा पड़ा फटाक से आंसर करने में। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रिलेटेड विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, भाई आपके अनुवांशिकता और विविधताओं के बारे में जो अध्ययन करने में संबंधित होती है ब्रांच, वो आपकी होती है जेनेटिक, कौन सी, जेनेटिक। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स के बारे में, इम्यूनोलॉजी में हम एंटीजन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो बचा आपका तीसरे वाला। आगे हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसको जानते हैं, डार्विन को, हिप्पोक्रेटस को, हैकल को, एडवर्ड जेनर को, बताओ जल्दी से। क्या आंसर हो जाएगा भाई आपको यहां पे, हिप्पोक्रेटस, बी, बी। अगला प्रश्न है कि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड विच ग्रुप ऑफ एनिमल आर प्लेस्ड इन सेम फाइलम, कि नोटोकॉर्ड के आधार पर जानवरों को किस समूह में एक ही फाइलम में रखा गया, मैमल्स को, कॉर्डेटा, प्राइमेट, इंसेक्ट, बहुत इजी प्रश्न है, एवरीवन डू लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन एवरीवन, आते ही कर दिया करो ये काम, तो बी, कॉर्डेटा, बहुत सही, बहुत सही माही। आगे प्रश्न है कि आर्कियोपैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रेप्टाइल सिम्पटम, आर्कियोपैट्रिक्स में निम्नलिखित सरीसृप लक्षण थे, लंबी पूछ, लंबी हड्डी की पूछ, पंजे के साथ उंगलियां, जबड़े में दांत, पंख, पूंछ, चोंच, पंख, पंख ऊपर से स्केल, फिर आपके फैदर, पंख, फिर दांत, पंख, पूंछ, बताओ जल्दी से। तो यहां पे आपको पता है आर्कियोपैट्रिक्स, आपको पता है क्या, आर्कियोपैट्रिक्स आपका एक ऐसा लिंक है जो आपके एनिमल्स को, मैमल्स को,
रेप्टाइल और एव्स को जोड़ता है, तो उसके अंदर आपके ये वाला ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, और ये आज तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट लोअर टेम्परेचर एंड ग्रो इन इन इट, क्या कहलाते हैं जो सबसे कम तापमान में उगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक, यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल, हाइड्रोथर्मल, बताओ जल्दी से। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पे, कम टेम्परेचर है तो स्टेनोथर्मल। मान लो इसने कहा होता कि ज्यादा हाई टेम्परेचर कहा होता, तो हम वहां पे आंसर करते यूरीथर्मल। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि साइकन स्पॉन्जिला बात स्पंज किसके एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा के, प्लैटीहेलमिंथस के, टीनोफोरा के, पोरीफेरा के। बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत 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 ही ज्यादा इजी है। तो आंसर हो जाएगा पोरीफेरा, क्या हो जाएगा पोरीफेरा। आगे प्रश्न है कि मैरिस फेरिटीमा और हिरुडीनिया ये आपके किसके एग्जाम्पल है, तो अर्थवर्म किसका होता है, एनलिडा, तो सिलेंट्रेटा इसके हेलमिंथस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, क्या जाएगा आंसर, एनलिडा। हाँ हाँ, फुल स्पीड करनी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट इज नॉट बाइसेक्सुअल, कि अकशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं है, टेपवर्म, हाइड्रा, अर्थवर्म, कॉकरोच, बताओ जल्दी से। बहुत सही विराट, बहुत सही, कॉकरोच, तिलचट्टा। अगला प्रश्न है कि स्टारफिश, सी अर्चिन एंड सी लिली आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, किसके एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन और सी लिली, एक्नेडर्मेटा के, एनेलिडा के, प्लैटीहेलमिंथस के, आर्थ्रोपॉड के। स्टारफिश के ऊपर होते छोटे छोटे से कांटे, जो कि आपको बताता है कि ये करता है बिलोंग एक्नोडर्म से, किससे, एक्नोडर्म से। ए आगे है कि कैल्प इज अ, कैल्प क्या है, सल्फाइड मिनरल ऑफ आयरन, लोहे का सल्फाइड खनिज, या फिर पार्शियल डीकम्पोज्ड वेजिटेशन, या फिर कैल्प एक प्रकार का बड़ा भूरा शैवाल समुद्री है जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है, फिर आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो आपको कैल्प क्या बता रखा है, क्या होता है कैल्प, बहुत सही, सी सी सी। अगला प्रश्न है ग्रीन एल्गी ऑफ फियोफाइसी क्लास इज कॉमनली नोन एज, फियोफाइसी कौन से वर्ग की शैवाल है, ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्राउन, ब्राउन भूरा। और एवरीवन डू लाइक द सेशन। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास ऑफ एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लांट का आता है, प्लांट के अंदर भी वो आपका कौन सा दूसरे वाला फाइलम आ जाएगा, तो यहाँ पे डी डी। आगे है कि एल्गी ऑफ क्लोरोफाइसी क्लास इज कॉमनली नोन एज, क्या कहते हैं क्लोरोफाइसी वाली को, ग्रीन, ब्राउन, रेड और येलो, तो क्लोरो होती है ग्रीन, तो यहां पे हो जाएगा आंसर ग्रीन, क्या हो जाएगा ग्रीन। आगे प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैव नो ब्लड बट रेस्पायर, रक्त नहीं है परंतु श्वसन करता है, हाइड्रा, कॉकरोच, अर्थवर्म, फिश, हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ, मछली, बताओ जल्दी से। हाइड्रा, क्या हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न है कि ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू फिश, निम्नलिखित में से कौन सी एक सच्ची मछली है, पहला ऑप्शन है आपका सिल्वर फिश, दूसरा क्रे फिश, फिर जेली फिश, फिर आपका कैट फिश, बहुत सही। ऋचा शर्मा बिल्कुल शुरू से बनी हुई है, कायम है अभी अपनी पोजीशन पे, जो है पहले नंबर वाली पोजीशन। ओके, वेरी गुड ऋचा, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। हाउ मेनी बोन्स आर इन शार्क फिश, शार्क में कितनी हड्डियां होती हैं, 100, 0, 200, 300, क्योंकि शार्क जो है कार्टिलेजिनस होती है, तो इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, कोई भी हड्डी नहीं होती है। रोजसू, आगे प्रश्न है, लाइक कर दिया करो सेशन को आते ही, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज लार्जेस्ट ऑफ टूथ्ड व्हेल, टूथ व्हेल में सबसे बड़ी कौन सी है, फिन बैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हमन बैक व्हेल, बताओ जल्दी से।
टी क्या हो जाएगा, सी स्टम्पवे। आगे है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज स्पीशीज ऑफ, निम्नलिखित में से सील किसकी प्रजाति है, मछली की, बर्ड की, रेप्टाइल की, मैमल की। सील, सील किसकी होती है प्रजाति भाई, मैमल की है, किसकी है, मैमल की है। आगे प्रश्न है कि नीलगाय बिलोंग टू फॉलोइंग फैमिली, किससे बिलोंग करती है भाई नीलगाय, काउ, गॉट, शिप, डियर। डियर, हिरण, हिरण। आगे प्रश्न है कि ऑक्टोपस इज अ आर्थ्रोपोड, एक्नोडर्मेट, हेमिकोडेट, मोलस्क। क्या होता है मोलस्क, ऑक्टोपस, सॉरी ऑक्टोपस एक मोलस्क होता है, क्या होता है, मोलस्क। अगला प्रश्न है कि द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा भाई आपका, स्क्विड, क्या आंसर आ जाएगा, स्क्विड आ जाएगा। आगे प्रश्न है टर्माइट आर ऑल्सो नोन एज एंट, रेड एंट, व्हाइट एंट, ब्लैक एंट। थोड़े से प्रश्न रह गए, बस 80 प्रश्न है गिनके, जाना नहीं है अभी, यही रहो, 10 प्रश्न रह गए गिनके, 72 हो गए हैं, 80 प्रश्न सारे हैं। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, व्हाइट फिश, व्हाइट एंट को बोलते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इनमें से कौन सा एक कीट नहीं है, बैड बग, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बताओ जल्दी। यहां पे आंसर हो जाएगा आपका स्पाइडर, मकड़ी। चलो आगे है कि पॉइजन फैंग ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, सांप के जो जहरीले नुकीले रूप से संशोधित रूप होता है कौन सा होता है, वो जो उसके फैंग होते हैं, चलो टक करके मारते हैं, वो क्या होते हैं, मैंडिबुलर टिथ, पैलेंटाइन टिथ, कैनाइन, मैक्सिलरी टिथ। हम सबको पता है आंसर हो जाएगा मैक्सिलरी टिथ। आगे प्रश्न है कि आपको इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। कि भाई पहला कह रहे कि कुछ स्पीशीज जो टर्टल की वो हर्बीवोरस होती है, फिर कहते हैं कुछ मछलियां हैं ऐसी जो हर्बीवोरस होती हैं यानी कि शाकाहारी हैं, फिर कहते हैं कुछ मैराइन एनिमल हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, फिर कह रहे हैं कि कुछ आपके स्नेक हैं जो विविपोरस होते हैं। बताओ यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। तो आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सारी की सारी स्टेटमेंट कैसी है, सही है। नहीं, खाना नहीं हुआ है अभी, आपकी क्लास लेके फिर होएगा। आगे है नेप्थोसिस खासानिया इज अ रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट फाउंड इन, कहां पे मिलता है भाई आपका नेप्थोसिस खासियाना, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, बताओ जल्दी से। तो ये मिलता है आपका कहां पे, मेघालय। अरे हिंदी इंग्लिश अलग अलग थी ना, बड़ा क्या था। सेशन को लाइक करो, एवरीवन डू लाइक द सेशन, 100 तो आपने किया नहीं, एटलीस्ट मेक इट 60, मेक इट 60। आगे है कि मार्सिला फर्न हॉर्सटेल किस चीज के एग्जांपल है, टेरिडोफाइट के, ब्रायोफाइट के, जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म के, जल्दी बताओ। बिल्कुल, दो क्वेश्चन और है, ए बहुत सही, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। आगे है कि अंडर द किंगडम प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, प्लांटी किंगडम के अंदर कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, पहला है ब्रायोफाइट, फिर एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो आपको पता है ऑलरेडी क्या हो जाएगा यहां पे, एल्गी, एल्गी। आगे प्रश्न है कि ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट बिलोंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड, कि किसी विशेष जीव के सभी व्यक्ति, जैसे कि गुलाब के पौधे एक वर्गी की श्रेणी से संबंधित है, जिन्हें कहा जाता है क्या, प्रजाति, जीनस, परिवार या फिर आपका ऑर्डर, बताओ जल्दी से। ठीक है,
दो मिनट में जा रहा, बस दो प्रश्न है गए। बी जीनस। अगला प्रश्न है कि पर्ल आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, पर्ल कहां से निकाले जाते हैं, प्रॉन पाइलर टूना ऑयस्टर। तो यहां से ऑयस्टर नहीं होगा, आपका प्राउन आ जाएगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, बिल्कुल आखिरी प्रश्न है आज का, कि आपको बताना है कौन सा फाइलम है जो आप बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी में रखते हो और जिसके अंदर ट्रू इंटरनल कैविटी भी होती है, पोरीफेरा प्लैटीहेलमिंथस नाइडेरिया एनेलिडा। अब यहां पे बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक और साथ में कोई ट्रू इंटरनल कैविटी ना हो तो वो एक ही है, वो है हमारा प्लैटीहेलमिंथस। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हो चुका है जिसका आंसर है प्लैनेरिया। इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगी सभी बच्चों को कि भाई आपका जो है, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y443R, किस चीज के लिए, जो आपको हर स्लाइड में यहाँ पे गिवन है। अगर कोई भी कोर्स आप यूज करना चाहते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसी के साथ आपको अगर और बताऊं तो यहाँ पे आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ में वीडियो को जाते जाते सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और एटलीस्ट उस पर मुझे 100 लाइक्स चाहिए गाइस। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं 12:30 बजे अभी गिव अवे पे। ठीक है, और मेरी 12 बजे क्लास होती, 4 बजे क्लास होती, उसमें जुड़ना ना भूले, मंडे टू फ्राइडे। इसी के लिए